शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ पुलिस विभाग के मुख्य DGP अभिनव कुमार सहित पुलिस आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि गृह विभाग का पदभार ग्रहण करने के उपरांत वह पहली बार पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं और विभाग से जुड़ी सभी पहलों की जानकारी ले रहे हैं। बैठक के उपरांत गृह सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, इसीलिए टेक्निकल व साइंटिफिकली सभी तरीके से पुलिसिंग को कैसे मजबूत करना है इस पर आज चर्चा हुई है। इसके साथ ही गृह सचिव ने यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में अक्सर आपदाएँ आती है, इसके साथ ही तमाम पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं और सभी व्यवस्थाओं को लेकर कैसी कैसी तैयारी होनी चाहिए इसके लिए भी मंथन किया गया है। साथ ही भविष्य में आगे और क्या क्या नए सुधार किए जा सकते हैं इस पर भी सभी के साथ विचार विमर्श किया गया है। अभिनंदन करता हूँ, आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और PHP में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उस पर उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा की है। और ये 3 एक्ट्स में जो लिखा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ही बेसिकली इसमें बात कही हुई है और इसका जो कोर में स्मार्ट पुलिसिंग है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों की इसमें बात की है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है एक तरह से डिजास्टर प्रोन भी है और इसके अलावा हमारा एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा पुलिस विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहा है और उसको और बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक आइडियल स्टेट बनने की तरफ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से कैसे जा सकते हैं आगे, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस फोर्स है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी चाहे आवास की समस्या हो, उनकी व्हीकल्स की समस्या है, उनके बारे में भी आज हम लोगों ने बात की है और कैसे हम लोग PHQ और शासन मिलकर के कैसे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में बात की है और आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक होम डिपार्टमेंट को पूरे देश में एक आइडियल होम डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे, आज इसी बारे में चर्चा हुई है। मैं DGP साहब का और उनकी पूरी टीम का भी आज के इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।